नमस्कार दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ईबोन का शेविंग मशीन जो है। ये दोस्तों मेरे को पड़ा है 350 रुपये की होलसेल में। अगर आप इसे दुकान पे लेते हैं तो ये 500 या 600 के बीच में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ये गारंटी नहीं है और इसमें 45 मिनट इसका बैटरी बैकअप है। एक बार चार्ज करेंगे तो वो 45 मिनट चलेगी, 2 घंटे से लेकर 3 घंटे चार्ज करना पड़ता है। और इसका रेट जो है 1499, बक्स पे लिखा है, आपको पता नहीं दिखाई देगा ना देगा, पर यहाँ पे लिखा है या इसका रेट ये 1499। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसको मैं खोल लिया है, पर आपको खोल कर दिखाता हूँ कि इसके साथ सामान क्या आती है। तो ये खोल दिया, ये डब्बा है, इसको अलग रखेंगे। ये क्या है, ये बुक है जो इसमें बताया गया है कितना चार्ज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें सब लिखा हुआ है। ये कैंची है जो इसके साथ आया है, इसमें कोई खास नहीं है, बेकार वाला है जैसे लग रहा है, जो बाजार में 10 रुपए की कैंची मिलता है ना काटने के लिए, उससे भी बेकार है, इससे कटेगा ही नहीं कुछ भी। और ये पन्नी है, इसके साथ आया है एक बैग की तरह, पर्स की तरह, जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ से खोलेंगे, इसमें डालकर इसको ऐसे और पैक करके रख देंगे। तो एक पन्नी हो गया। ये चार्जिंग केबल है जो इसके साथ आया है। ये कंघी है जो 2-3 रुपए की आती है बाजार में। और ये मशीन हो गया जो शेविंग मशीन है। और ये है एक ब्रश आया है, इसके साथ बालों फंस गया इसमें तो इसे साफ कर लेंगे। और ये तेल है ऑयल वो डालने के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है चलने में तो थोड़ा बहुत डाल के सही कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया है देखिए दोस्तों, ये इसकी जो बटन है ऑन ऑफ करने के लिए ये है। आप ऐसे करके इसका ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये कर दिया, चालू हो गया, बंद हो गया। और ये क्या है, लॉक है, इसको ऊपर करेंगे तो ये लॉक हो गया। अगर निकालना है तो नीचे करिए और इसको निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। और देख लीजिए ये इसके साथ एक आया है, बस आप कितना बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर साइज लिखा है इसका, 1, 2, 7 तक है इसमें जो है, 1 से लेकर 7 तक है इसका। आप देखिए दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा इसको, एक से लेकर 7 तक है। तो इसको साइड में रखें डब्बा। देखिए दोस्तों ये है, ये बस छोटा सा वीडियो था। देखिए ये ऑन हो गया, चलाएंगे तो ऑन हो गया। अब इसको देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए अगर आप शौक पूरा करने के लिए ले रहे हैं तो ये ठीक है, कंपनी है ईबोन है, ईबोन का सब चीज़ आता है, लीड हो गया, चार्जर हो गया, मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक्स जितना सामान है सब ईबोन बनाता है। और ये अपनी मार्केट में लेके आया है, मैंने इसको आज यूज किया, ऐसे नहीं कि ला के अनबॉक्सिंग कर दिया इसका, सीधा आपको बता दिया। मैंने इसको यूज किया, ये 2 दिन पहले लेके आया था और आज मैंने शेविंग बना कर देखा। देखिए मैं कुछ फोटो दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मेरा दाढ़ी पहले ऐसा था और शेविंग करने के बाद अब ऐसा है। तो ये सही काम करता है, ठीक है, ठीक ठाक है। मैं कहूँगा कि दूसरे कंपनी को लेने से अच्छा है कि आप ये लें, ये ठीक ठाक है, पैसे के हिसाब से ठीक। अगर आपको दुकान पे ये 500 के मिल जाता है, 600 तक की मिल गया तो बहुत बढ़िया है। अगर इससे कोई ज़्यादा दुकान वाला पैसा मांगता है तो आप मत लीजिए, क्योंकि 500-600 इससे ज़्यादा एक रुपया ज़्यादा नहीं। बल 500 में मिल जाए अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो 600 के बीच में अगर आपको मिल जाता है तो आप ये ले खरीदे, बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि 350 पे अभी मार्केट में आ रहा है ये खरीद, मैंने खरीद कर आया होलसेल दुकान से, जो ईबोन का जो करोर बाग में है, जो दिल्ली में है, वहाँ पर ये उनका दुकान है, वहाँ से आप लेंगे कुछ भी तो होलसेल में मिलता है। तो मेरे को और भी कुछ सामान लेना था, ऐसा ही नहीं, मतलब यही नहीं लेके आया, और भी सामान लेके आया। तो एक मैंने ये भी डाल दिया कि चेक करने के लिए कि सही है नहीं सही है। तो मैंने जो यूज़ किया उसके हिसाब से तो सही है, सही काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप इससे महंगी लेना चाहते हैं तो EMI के Realme के सब आता है वो ले सकते हैं, पर अगर आप 500-600 में ये मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा है। 500-600 में अगर आपको कहीं मिल गया तो बहुत ही अच्छा है। आप दुकान वाले से पूछे अगर मिल गया तो ठीक है, ऑनलाइन भी आता है, आप ऑनलाइन भी चेक कर लेना, इसका मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो था बस इसके बारे में था, मुझे अच्छा है ये वीडियो, आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो में थोड़ा जो बच्चे हैं बाहर खेल रहे हैं तो थोड़ा वीडियो साफ नहीं आया होगा, आवाज़ साफ नहीं आया होगा, तो माफ़ करना।
पर मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। ये छोटी सी वीडियो था, अगर आप को अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब के लिए गुड बाय दोस्तों।